नेपाल देश जो है हिंदू राज्य होने से बहुत ही विकास नहीं कर पाया, बहुत नीचे चला। आप दोस्तों, ये जो वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा है ये अमेरिका से सामने आ रहा है, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ये आप लोगों ने वीडियो में देख लिया। खैर, हम पहले ही बता देना चाहते हैं, हम इस तरह की नारेबाजी, इस तरह के विरोध प्रदर्शन का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं सिर्फ उसको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं और इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी कर रहे हैं कि इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया, इसका पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो दूसरा वीडियो आप लोगों ने देखा है, यह वीडियो मणिपुर से सामने आ रहा है, जहां पर लोग मणिपुर में पीस कायम करने के लिए, शांति कायम करने के लिए किस तरह से सड़क पर सिर झुका करके प्रार्थना कर रहे हैं, यह आप लोगों ने वीडियो में देख लिया है, आगे इसका भी पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तीसरा जो वीडियो आपको हमने दिखाया है यह राहुल गांधी का वीडियो है। देश में लगातार बढ़ती नफरत के बीच राहुल गांधी ने तमाम पार्टियों की जो मीटिंग हुई थी महागठबंधन की, उस पर यह बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इनका भी पूरा बयान हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर अगर आपने है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अमेरिका दौरे पर गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त तरीके से लोगों ने स्वागत किया और मीडिया चैनलों में इसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर ही पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन इसकी चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है। हां, डिजिटल मीडिया पर लोग जो चीजें आ रही हैं उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। यहां पर एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख पाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरह से लोग सड़कों पर आकर के उनका पुतला निकाल रहे हैं, उनके साथ किस तरह से होर्डिंग लिए हुए हैं, उनके साथ किस तरह से हरकत की जा रही है। खैर, इस तरह की हरकतों को हम सपोर्ट नहीं करते, इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जो लोग इसमें शामिल उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। और इस वीडियो को यहां पर हितेंद्र पथादिया नाम के एक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है और यहां पर लिखा गया है, आर यू स्टिल थिंक दैट एन इंडियन पीएम गॉट ग्रैंड रिसेप्शन इन द यूएस, यानी यूनाइटेड नेशन के अंदर ये हो रहा है। अब आप बताइए कि मीडिया में यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी द बॉस, यानी मोदी जी अमेरिका के बॉस बन गए हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर ही मोदी जी के खिलाफ किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये वीडियो आपके सामने है, मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। इसका छोटा सा वीडियो क्लिप जरा आप और देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह वीडियो देख लिया है, यह वीडियो अमेरिका से सामने आया है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह अमेरिका का वीडियो है। जैसा कि हितेंद्र पिथादिया नाम के ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो पोस्ट किया गया है, अब इसकी जांच भी होनी चाहिए कि आखिरकार ये वीडियो सही या नहीं है, लेकिन यहां पर यह वीडियो अगर यूएस का है तो अपने आप में ये एक बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि जहां एक तरफ पीएम मोदी का स्वागत भी हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ उनका विरोध भी हुआ है। खैर, इस वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स भी हैं जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। यहां पर देखिए, आलोक गुप्ता नाम के एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया, कमेंट किया गया है कि इट इज फॉर्चुनेट एंड नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, वी शुड रिस्पेक्ट अवर नेशन एंड पीएम इज रिप्रेजेंटिंग 140 करोड़ इंडियन, इफ सच थिंग हैपेंड देन इट इज एक्सेप्टेबल एज इंडियन, यानी कि जो कुछ भी ये हो रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर उनका इस तरह से विरोध हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। खैर, हम भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यहां पर मणिपुर से, जहां पर लोग सड़कों पर बैठकर अपने सिर को जमीन पर लगाकर
मणिपुर में पीस की कामना कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पीएम मोदी अमेरिका में जाकर के ये कह रहे हैं कि भारत में धर्म और जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, जबकि मणिपुर में आपको पता होगा जाति के नाम पर ही किस तरह की हिंसा हो रही है। इसका वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बीजेपी के होने के बावजूद मणिपुर में फसाद कम होने का नाम नहीं ले रहे, ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सड़कों पर बैठ करके अब गॉड से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मणिपुर में पीस कायम हो। आप बताइए मोदी जी ने अमेरिका में क्या कहा, धर्म जाति के नाम पर कोई विवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन मणिपुर में जो चीजें सामने आ रही हैं यहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि देश के हालात क्या हैं। अफसोस इस बात का होता है कि मोदी सरकार की तरफ से अब तक कोई कड़ा एक्शन इस पर नहीं लिया गया है और खुद मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी की जगह किसी और पार्टी की सरकार होती तो अब तक गोदी मीडिया में बैठे हुए पत्रकार ना जाने कितनी डिबेट इस पर कर चुके होते। लेकिन क्या मणिपुर पर कोई डिबेट हो रही है, मणिपुर में जो फसाद चल रहा है उस पर एक भी डिबेट हो की जा रही है आजकल? नहीं, आपको मीडिया में इस पर डिबेट नहीं मिलेंगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि राहुल गांधी को लेकर के सामने आ रही है। देश में जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से बीजेपी अपना शासन चला रही है, उसको लेकर के राहुल गांधी का नया बयान वायरल हुआ है। मैं आपको ये सुनाना चाहता, सुनिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का मतलब सिर्फ दो तीन लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा, ये लड़ाई है। हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूँ, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, राहुल गांधी जी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो पोस्ट किया और लिखा है, हम भारत जोड़ने वाले भारत तोड़ने वालों को हराएंगे। यानी बीजेपी के ऊपर खुला आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी भारत को तोड़ रही है और इनको हम आने वाले चुनाव में हराएंगे। आपकी अपनी इस पर भी क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।